नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसा कई बार हुआ है कि एक मूवी में बहुत सारे हीरो होते हैं, लेकिन ऐसे दो हीरो होते हैं जो साथ में काम नहीं किए, यानी एक सीन में दिखाई नहीं दिए। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी मूवी है। मूवी का नाम मदर इंडिया, 1957 की मूवी, जिसके डायरेक्टर थे महबूब खान। इसमें नरगिस और राजकुमार थे, और बाद में सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार मूवी में दिखाई देते हैं, लेकिन राजकुमार सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार के साथ एक सीन में नज़र नहीं आए। शक्ति, 82 की मूवी, जिसके डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी, सलीम जावेद की जोड़ी इसे लिखी है। मूवी में बहुत सारे कलाकार थे, जैसे दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी, स्मिता पाटिल और अमरीश पुरी, लेकिन अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर एक सीन में दिखाई नहीं दिए। और एक मूवी 2002 की, शक्ति द पावर, डायरेक्टर कृष्णा वामसी। इसमें नाना पाटेकर और करिश्मा कपूर का मुख्य भूमिका था, और संजय कपूर और शाहरुख खान का स्पेशल अपीयरेंस था, और इसकी वजह से संजय कपूर और शाहरुख खान एक सीन में कभी नज़र नहीं आ पाए इस मूवी में। गिरफ्तार, 85 की मूवी, डायरेक्टर प्रयागराज। इसमें तीन सुपरस्टार्स एक साथ नजर आए थे, अमिताभ बच्चन, कमल हसन और रजनीकांत, लेकिन कमल हसन और रजनीकांत एक सीन में दिखाई नहीं दिए, क्योंकि इस मूवी में रजनीकांत जी का स्पेशल अपीयरेंस था। 94 की मूवी अंदाज अपना अपना, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी। आमिर खान और सलमान खान की कॉमेडी मूवी, जिसमें रवीना टंडन और करिश्मा कपूर भी थे। एक सीन में आमिर खान गोविंदा के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन गोविंदा और सलमान खान इस मूवी में साथ में दिखाई नहीं दिए। दामिनी, 93 की मूवी, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी। मीनाक्षी सेसाद्री, सनी देओल और ऋषि कपूर मुख्य भूमिका में थे, और एक गाना था बिन साजन झूला झूलूं, इस गाने में आमिर खान नज़र आते हैं। इस मूवी में आमिर खान और सनी देओल दोनों हैं, लेकिन एक सीन में कभी नज़र नहीं आए। 2008 की मूवी हीरोज़, डायरेक्टर समीर कार्निक। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, सलमान खान, बॉबी देओल, प्रीति जिंटा, सोहेल खान, बत्सल सेठ और डीनो मोरिया थे, लेकिन इस मूवी में मिथुन चक्रवर्ती के साथ सनी देओल और बॉबी देओल नज़र नहीं आए। क्षत्रिय, 93 की मूवी, जिसका निर्देशन किया है जेपी दत्ता ने। इसमें सुनील दत्त, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, सनी देओल और संजय दत्त थे, लेकिन सुनील दत्त सनी देओल और संजय दत्त के साथ एक सीन में नजर नहीं आए। रॉकी, 1981 की मूवी, जिसके डायरेक्टर थे सुनील दत्त, और ये उनके बेटे संजय दत्त की डेब्यू मूवी थी, जिसमें रीना रॉय और टीना मुनीम थे, लेकिन सुनील दत्त का भी एक छोटा सा रोल था इसमें, लेकिन दोनों बाप बेटे सुनील दत्त और संजय दत्त एक सीन में दिखाई नहीं दिए। जानी दुश्मन, 2002 की मूवी, डायरेक्टर राजकुमार कोहली, जिसमें बहुत सारे कलाकार थे, और इसमें अरमान कोहली के साथ सनी देओल और अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब, इतने सारे कलाकार थे, लेकिन इस मूवी में एक सीन में सनी देओल और अक्षय कुमार एक साथ कभी नज़र नहीं आए। तो इस तरह बहुत सारे मूवी हैं हमारे बॉलीवुड में। अगर आप कुछ ऐसे मूवी का नाम जानते हैं जिसमें दो हीरो होंगे और दोनों आपस में स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।